उसके पास। बीरबल क्या तेरी बात है। फिर दूसरा एक सवाल पूछा, उसका भी उत्तर मिल गया, बीरबल को वजीर बना दिया। और जीवन भर अकबर बीरबल के चुटकुले लोगों ने सुने हैं, जीवन भर बीरबल का संपर्क करते हुए अकबर खुशहाल रहे। जब बीरबल मर गए तो अकबर ने ये वचन उचारे कि आज तक तो किसी मर्द के साथ जीते थे, अब तो बेवकूफों के साथ जीना पड़ेगा, खुदा ताला अब मुझे जीने का रस चला गया। अब बीरबल के जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे आया? ये मंत्र का प्रभाव। और मंत्र को शक्ति कहां से मिली? उसी परमात्मा की, श्री राम। तो कबीर जी ने कहा, शून्य सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथी खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। और लोग बोलते हैं कि हमारा तो भाग्य ऐसा है, जीवन ऐसा है, छाक वैसा मापाय वैसा ही थी। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के जीवन में देखो, श्री राम जी के जीवन में देखो, संत कवराम जी के जीवन में देखो, नानक जी के जीवन में देखो। 16 वर्ष 6 महीने और 15 दिन की उम्र के थे, उन दिनों में बंद कमरा करके बंदगी करते, भगवान का भजन करते, रात्रि को माँ ने दस्तक दिया, बेटे अब सो जा। देखो सब लोग सो गए, मध्य रात्रि हो गई, नानक जी अपनी चटाई संकेल कर सोने की तैयारी करते हैं। इतने में पपीहा ने कहा, पीहू पीहू। नानक जी बोलते, माँ पपीहा अपने प्रीतम को याद कर रहा है और मैं प्रीतम को भूल जाऊं, माँ मुझे याद करने दे। याद करते करते वो साधारण लड़का नानक के नाम से जो गिने जाते थे गुरु नानक हो गए। कबीर जी साधारण व्यक्ति गिने जाते थे, संत कबीर हो गए। कबीर की इच्छा थी कि रामानंद स्वामी से मुझे मंत्र दीक्षा मिले। मंत्र देने वाले संत जितने ज्यादा अनुभवी होते उतना शिष्य का ज्यादा उत्थान होता है। तो महाराज और कुछ समर्थ संत है, पहुंचे हुए संत है, लेकिन कबीर कौन सी जाति के ये पता नहीं चलता था, क्योंकि रास्ते से मिले थे बच्चे और जुल्हा ने पाला था, तो कोई समझते थे कि यवन का पुत्र है, कोई समझते जुल्हा का पुत्र है। तो पंडित लोग उनको गुरु के पास नहीं जाने देते थे। आखिर कबीर ने क्या करा कि गुरु महाराज रोज स्नान करने को अमृत वेले जाते 3-4 बजे, तो कबीर जी ने घास फूस की दीवार बना दी और एक जगह रास्ता रख दिया। रामानंद स्वामी खड़ाऊ पहनते थे, तप 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 पावड़ियों पर जब उतर रहे थे तो कबीर जी वहां अंधेरे में सो गए और कबीर जी के ऊपर रामानंद स्वामी का चरण लग गया। तो कबीर जी के है पर जब चरण लग गया रामानंद स्वामी का, तो कबीर रामानंद स्वामी के मुंह से राम राम निकल गया और कबीर जी ने वो राम राम नाम ले लिया। राम राम रटते 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 कबीर जी तो आनंद और मस्ती में उन्नत होते गए और कबीर के जीवन में कुछ प्रभाव आने लगा। तो पंडितों ने कहा, अरे तू निगुरा है? बोले, निगुरा नहीं, मेरे गुरु स्वामी रामानंद है। जय गुरु रामानंद, रामानंद स्वामी राम राम मेरा, रोम रोम में रम रहा है रामानंद स्वामी। जाकर रामानंद को कहा कि तुमने मंत्र पलित कर दिया, यवन को मंत्र दे दिया। रामानंद ने कहा, मैंने तो उनको मंत्र नहीं दिया। बोले, वो बोलता है, ले आओ मेरे पास। उस समय पंडित लोग समझते थे कि भगवान प्राप्ति कराना कोई हमारी बहुती है, मोनोपोली है। हकीकत में भगवान प्राप्ति कराना किसी की मोनोपोली नहीं है। जो सच्चे महापुरुष होते हैं उनके संपर्क में साधक आता है तो उन्नत हो जाता है। भगवान तो सबके हृदय में बसा हुआ है। भगवान कोई करियाने की दुकान की चीज नहीं है कि उठा के कोई दे देगा। भगवान तो छुपा है, लेकिन अज्ञान की परतें दूर करने की युक्ति बढ़िया हो तो काम जल्दी बन जाता है। कबीर को लाया गया सभा के बीच, ऊंचे आसन पर महाराज बैठे, इर्द गिर्द सब पंडित थे। कबीर जी को मुजरिम की नाई ले आए गए। कबीर जी से महाराज जी ने कहा कि भाई मैंने तेरे को कब मंत्र दीक्षा दी? कबीर जी ने कहा, गुरु महाराज कुछ महीने पहले मध्य हो प्रभात के समय। मैंने तो प्रभात के समय तेरे को नामदान तो नहीं दिया कभी। बोले, गंगा किनारे नहाने को जा रहे थे। बोले, राम राम राम, झूठ बोलता है? बोले, महाराज झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। तो बोले, मेरे सामने मेरे को झूठा कर रहा है? उठाई खड़ा हूं, जैसे माँ का हाथ चलता है 2.5 सिर का और गाल पे आता है तो 2.5 तोले का हो जाता है, ऐसे खड़ा उठाए। बोले, झूठ बोलता है? बोले, महाराज नहीं, गुरु महाराज ने खड़ा दे मारे 2-4 उसके सिर पर। राम राम राम, मेरे को झूठा बोलता है? कबीर जी बोलते, तब की दीक्षा झूठी तो गुरु महाराज, अब की तो सच्ची। आपके खड़ाऊ का भी 20 वर्ष हो गया और राम नाम भी आपके श्री मुख से मिल गया। तब की दीक्षा झूठी तो अब का तो नामदान सच्चा। रामानंद स्वामी समझ गए कि ये सतपात्र शिष्य है और ये राम नाम की कमाई करके बहुत तेजी से बढ़ेगा।
उनको कहा भाई चाहे तुम लोग मेरे को मानो चाहे न मानो, लेकिन मेरा तो ये शिष्य कबीर जी है। और कबीर जी बहुत उन्नत हो गए। तुलसीदास जी महाराज समाधि में बैठते थे, राम राम रटते 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 फिर उस श्वासोश्वास को रिदम बनाकर उस जहां से राम की चेतना राम रोम रोम में बसा मान दिल लगाकर समाधि हो गए। तुलसीदास महाराज के दर्शन करने गए थे नाभाजी महाराज, जिसने भक्तमाल लिखी, गुजरात में बड़े प्रसिद्ध हुए। भक्तों को जो कथाएं मिलती है भक्तमाल से, वो भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज तुलसी महाराज के दर्शन करने गए। तुलसीदास महाराज समाधि में थे तो नाभाजी महाराज वापस चले गए। भक्तों ने बताया कि नाभाजी महाराज स्वयं आए थे। तुलसीदास जी को दुख हुआ कि संत मेरे द्वारा आए और मेरे को दर्शन नहीं हुआ। तुलसीदास जी कुछ दिनों के बाद समय निकाल के नाभाजी महाराज का दर्शन करने गए। उस समय नाभाजी महाराज के आश्रम में भंडारा था और महाराज जहां जितियां पड़ी थी वहां तुलसीदास छुप के शांति से जाकर बैठे। परोसने वाला जब परोसने आया तो उसने तो पत्तले परोस दी थी, दोनों परोस दिए थे। अब ये तो बाद में आके बैठे तो परोसने वाला पूरियां लेके निकला तो पूरी तो हाथ में ले ली, मालपुए बांटने वाला आया तो मालपुए ले ली। अब आया खीर बांटने वाला, खीर माना खीर नहीं दूधपात, खीर बांटने वाला आया। तुलसीदास के पास तो कोई साधन नहीं था लेकिन किसी संत की जुत्ती पड़ी थी, तुलसीदास ने वो जुत्ती उठाई और खीर परोसने वाले को कहा कि इसमें परोस दे। बोले राम राम राम, ये क्या करते हो, ये तो चमड़े की जुत्ती है। तुलसीदास ने कहा तुलसी जामुख धोखे मिख से राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल जाता है उसके चरणों की जुत्ती में बन जाऊं तभी भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, तो इसी में परोस दे। परोसने वाला भागा नाभाजी महाराज के पास कि ऐसे कोई संत आए, नाभाजी आए। ओहो संत तुलसीदास जिनके मैं दर्शन करने गया था, गले लगे और नाभाजी महाराज के आंखों से गंगा यमुना बरसने लगी कि आज मेरे भक्त माल का मेरू मुझे मिल गया है। 108 दाने माला में होते हैं, 108 दाने तो हूं और मेरू ना हो तो माला पूरी नहीं होती। ऐसे आज मेरे ग्रंथ को पूरा करने वाला ये संत का दर्शन मेरे को मिला है। नाभाजी महाराज गदगद हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम अग पुंज नसावत, इसलिए हमारे दैनिक व्यवहार में भी आदमी सामने मिलता है तो हम राम राम बोलते हैं। राम नाम वैदिक मंत्र है। राजा रामचंद्र जी आए तभी राम राम जपते लोग, नहीं रघु राजा भी राम राम जपते थे, दशरथ राजा भी राम राम जपते थे, उसके पहले भी राम राम। जो रोम रोम में बस रहा है चैतन्य उसका नाम है राम। इसलिए हम व्यवहार में मिलते हैं तो राम राम दो बार बोलते, तीन बार भी नहीं बोलते, राम 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 एक बार भी नहीं बोलते, दो बार बोलते कि तू जिसकी सत्ता से देख रहा है और मैं जिस सत्ता से मिल रहा हूं उन दोनों के आधारभूत जो चैतन्य है उस परमात्मा को धन्यवाद है राम राम। अगर कोई आदमी संसार से जाता है तब भी बोलते राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अगर किसी आदमी का ये वो हो जाता है तो बोले इसका तो बेचारे का